आदाब नाजरीन, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं रेशमा आफ्ताब। सबसे पहले अहम सुर्खियां। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेरोइन। रायबरेली के पास जनता एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरे, 31 की मौत, 150 से ज्यादा जख्मी। देहरादून से बनारस जा रही थी ट्रेन। जम्मू के कठुआ में खत्म हुआ एनकाउंटर, हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिस एहलकार शहीद, दोनों दहशतगर्द भी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। राज्यसभा में पास हुआ कोयला खदान बिल, लेकिन तहवील एराजी बिल की मुखालफत जारी, मगरबी बंगाल के किसानों ने किया एहतजाज, सोनिया ने की राजस्थान में किसानों से मुलाकात। आर्मी कप के दूसरे सेमीफाइनल में 26 मार्च को होगी हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। और यमन की 2 मसाजिद में जुमे की नमाज में खुदकश बम धमाके, 55 से ज्यादा अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, पाकिस्तान में मस्जिद के बाहर भी हुआ धमाका। और अब खबरें तफसील से। यूपी के रायबरेली के पास बछरवा स्टेशन पर देहरादून से बनारस जा रही जनता एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। इत्तला है कि ट्रेन के इंजन के साथ 3 डब्बे पलट गए हैं। इस हादसे में 31 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों की तादाद में अभी और इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मालूकीन के अहलखाना को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में जो रेल दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें कई लोगों की जाने गई हैं और कई लोग इसमें हताहत हुए हैं, और जो इंजर्ड हैं आज इस ट्रामा सेंटर जो लखनऊ तक की मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर इसमें भर्ती है, और यहां के चिकित्सकों के द्वारा उनकी निर्भर चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूं बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। रेल मंत्री जी ने एक्सग्रेसिया 2 लाख रुपया मृतक परिवारों को अविलंब देने का घोषणा की है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 और जो सामान्य रूप से घायल हैं उनको 20,000। इसके अलावा भी यहां पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी हैं, सदस्य यातायात हमारे दोनों लोग उपस्थित हैं, तो जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो भारतीय रेल के लोग यहां उसका भुगतान करेंगे। सियासी लीडरान ने इस मामले की तफ्तीश का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के बछराव क्षेत्र में जो आज रेल दुर्घटना हुई है, जिसमें काफी जानी माली नुकसान पहुंचा है, तो मैं ये समझती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, खास तौर से रेलवे मंत्रालय को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए कि किन कारणों की वजह से हुआ है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके अलावा जो इसमें सफरर है तो रेलवे मंत्रालय को उनको उचित आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए, और इसमें वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनको भी मानवता इंसानियत के नाते, तो इस दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए तो उनको भी जितना हो सकता उनको भी मदद करनी चाहिए। जिसकी अभी सूचना मिली है और जिला प्रशासन के सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश सरकार इस बचाव कार्य में जो भी कर सकती है उसको पूरी करने की तैयारी कर रही है। और हादसा हुआ है, निश्चित रूप से बहुत दुखद है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को जो कुछ भी करना है बचाव में, राहत में, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए 108-102 एम्बुलेंस भेज दी गई हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच रहे हैं, डीआईजी रेंज भी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं और हम लोग भी वहां जा रहे हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी वहां निर्देश दे दिया गया है कि वो सब पहुंचे और राहत कार्य में मदद करें। जम्मू कश्मीर में जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ के राजबाग थाने पर तसादुम खत्म हो गया है, लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। तसादुम में दोनों ही दहशतगर्दों को फौजी जवानों ने मार गिराया है। वहीं इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ के 2 जवान और पुलिस का 1 एहलकार शहीद हो गया है।
जबकि तसादुम में एक मकामी शख्स की भी मौत हो गई है। तसादुम में 10 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि सुबह 6:15 बजे कल कठुआ में राजबाग थाने पर कुछ दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था, जो पाकिस्तान की तरफ से आए हुए बताए जा रहे थे। इससे पहले दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन में 8 से 10 पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया था। We have had our own casualties apart from the sentry who got killed in the initial action. 2 CRP people, there were 15 to 16 CRP people who were trapped on the first floor in their barrack. We were able to rescue 7 to 8 of them. 6 or 7 were still trapped. Out of those 6, two of them have died. Plus, there is 1 civilian casualty. We have been able to kill both the militants. Their dead bodies are lying inside. We are going to clean up the area. Then we'll whatever documents we have recovered from them, we'll study them. We are trying to carry out the investigation in order to find the trail how they have entered inside, and that is a question of investigation. We are on the job, and all I can say now is that we have been able to neutralize this attack, and our boys have fought very bravely. वज़ीर दाखला राजनाथ सिंह ने भी कठुआ में हुए हमले पर लोकसभा में बयान दिया। जम्मू कश्मीर की पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। मैं समझता हूं कि पूरा यह संसद, जो हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान हैं और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान हैं, जिन्होंने की फिराइन आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है, उनके शौर्य और पराक्रम की सराहना करता है। वहीं हमले में जख्मी एक जवान ने सूरत हाल को कुछ इस तरह बयान किया। मेरा नाम मोहन है। क्या हुआ सुबह आप लोग के मिलकर कैसा सर? नीचे की कार्रवाई हमें पता नहीं, हम सेकंड बिल्डिंग में थे। उन्होंने नीचे से शुरुआत की है पुलिस वालों से। गोली और ग्रेनेड सर को बरसाया उन्होंने, तो जैसे नीचे उन्होंने फायरिंग शुरू की तो हमने अपनी पोजीशन ले ली थी सर ऊपर। उधर सियासी लीडरान ने हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान एक तरफ से सलाह चाहता है, बातचीत करना चाहता है, और इस दफा भारत ने फिर इनिशिएटिव लिया, प्रयास किया पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का और बातचीत करने का, और अभी उसका नतीजा भी नहीं निकला कि फिर फायरिंग शुरू हो गई। ये पाकिस्तान की हमेशा बहुत बुरी आदत रही है बैक स्टैबिंग करने की। जब भी हम पीस प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसके साथ ही वो कहीं न कहीं इस तरह की घटना करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक दफा फिर बताना चाहिए कि ये दोनों चीजें, दोस्ती और आतंकवाद, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकता। चिंता की बात है, पहले भी होते रहे बहुत सारे, उनका जवाब भी दिया। अब इस किस्म की कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है कि हमारे सुरक्षा कर्मियों का उचित जवाब देंगे। इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं और लगातार यही एक रूट इस्तेमाल किया जा रहा है। जब मेरी हुकूमत के दौरान इस तरह के हमले हुए तो हमने उस वक्त भी कहा था बीएसएफ से कि ये जो नाले हैं, इन नालों को किसी तरह ब्लॉक करना जरूरी है, क्योंकि ये जो घुसपैठ हैं ये नालियों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जगहों में आपने फेंसिंग लगाई है, बाकी जगहों में आपने लाइट लगाए हैं, लेकिन इन नालों को जब तक आप कुछ करते नहीं हो, ये लोग यहीं से आएंगे। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जब इस अटैक की जो इंक्वायरी होगी उसमें आप पाएंगे कि ये लोग ज्यादा जल्दी नहीं आए, आज सुबह ही आए होंगे। रात को इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया होगा, पहला टारगेट इनको कठुआ का पुलिस स्टेशन मिला और उस पर हमला किया गया। मैं उन बहादुर पुलिस के जवानों को खराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने इस हमले में अपनी जान की कुर्बानी दी, और दोनों मरकज और रियासत की हुकूमत से ये गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके पिछले हमलों का कुछ सीखें। वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें, जल्द हाजिर होते हैं।
कि अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में चार बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। चार चार पांच पांच मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी है। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है, कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्याल और दानिश्वरों के इफ्कार, देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और इतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। कोलगेट मामले में खसूसी सीबीआई अदालत की जानिब से नोटिस देकर बुलाने की मुखालफत में साबिक वजीरआजम डॉ मनमोहन सिंह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जराए के हवाले से खबर है कि साबिक पीएम मनमोहन सिंह अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। वाजिर है कि कोयला घपला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने के जरिए मुलजिम बनाने और समन जारी होने पर कांग्रेस मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़ी नजर आई। पार्टी सदर सोनिया गांधी की क्यादत में पार्टी लीडरान उनके घर जाकर उनके साथ होने की यकीन दहानी भी करा चुके हैं। हालांकि मनमोहन सिंह पहले ही वाजे कर चुके हैं कि वो किसी भी कानूनी जांच के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने साबिक वजीरआजम मनमोहन सिंह को कोयला घपला मामले में मुलजिम बनाने का हुक्म दिया है। स्पेशल कोर्ट ने मनमोहन सिंह के अलावा सनतकार कुमार मंगलम बिड़ला, साबिक कोयला सेक्रेटरी पीसी पारेख, हिंडलको के अफसरान को भी तलब किया है। मोदी हुकूमत राज्यसभा में मादनियात और कानकुनी बिल को पास कराने में कामयाब हो गई है, लेकिन तहवील एराजी बिल की मुखालफत जारी है। मगरबी बंगाल के किसानों ने मरकज के खिलाफ जमकर एहतजाज किया है। वहीं कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने राजस्थान का दौरा किया। गुज़िश्ता दिनों बेमौसम बारिश और झालावारी के सबब फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने और मुतासर किसानों को हाल का हाल जानने के लिए सोनिया गांधी पहले झालावाड़ पहुंची, उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो कोटा पहुंची, जहां से बाय रोड वो कोटा से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर दरबीजी गांव गई। सोनिया गांधी ने किसानों की हर मुमकिन मदद देने की यकीन दहानी कराई। सख्त हिफाजती घेरे में होने के बावजूद सोनिया गांधी से किसान आसानी से मिले और अपनी परेशानियों का इजहार किया। सोनिया गांधी के साथ रियासत के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत, रियासती सदर सचिन पायलट समेत कई अहम पार्टी लीडरान भी मौजूद रहे। उधर मरकजी हुकूमत राज्यसभा में मादनियात और कानकुनी बिल को पास कराने में कामयाब हो गई। बिल को जैसे ही ऐवान में रखा गया, जेडीयू के अराकीन ने इसकी मुखालफत करते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में बिल की तरामीम पर वोटिंग भी हुई। पूरा हिजब इख्तलाफ बिल को दोबारा सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रहा था। इस इशू पर अपोजिशन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारा विरोध केवल ये था कि आपने राज्यों से बात नहीं की है, आपने दूसरे स्टेक होल्डर से बात नहीं की है, जो सिलेक्ट कमेटी को ये गया उसमें सबकी बात नहीं सुनी गई। हमारा ये था कि आप सबकी बात सुने, दोबारा से सिलेक्ट कमेटी को इसको भेजें ताकि सबकी बात इसमें आए, सभी स्टेक होल्डर्स की बात इसमें आए। वो सरकार ने नहीं माना, हमने इसका विरोध किया। खास तौर पर राज्यों के हित में जो होनी चाहिए वो नहीं है और इसके अंदर बहुत ही पेचीदा कानूनी सवाले हैं और हम समझते हैं कि अगर कोई जाएंगे इस पे सुप्रीम कोर्ट पे तो इस बिल को वैलिडेट करना बड़ा मुश्किल होगा। मोदी हुकूमत ने ब्लैक मनी से मुतल्लिक मसाइल और मामलों को रोकने के लिए बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। वजीर खजाना अरुण जेटली ने इसे लोकसभा में पेश किया। 17 मार्च को ही इस बिल को काबीना ने मंजूरी दे दी थी। नया कानून यकुम अप्रैल 2016 से नाफिज होगा। बिल में ब्लैक मनी पर टैक्स का 3 गुना जुर्माना लगाने और 3 साल से 10 साल की सजा और जुर्माने का इल्तजाम है। एक मुकर्रर मुद्दत में खुद ब्लैक मनी का इंकशाफ करने वालों को मोहलत दी जाएगी। ऐसे लोगों को 30% टैक्स और 30% जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। इसी बिल में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में भी तरमीम करने की तजवीज है।
move for leave to introduce a bill to make provision for undisclosed foreign income and assets, the procedure for dealing with such income and assets, and to provide for imposition of tax on any undisclosed foreign income and asset held outside India and for matters connected therewith or incidental thereto. Yes. आईएएस रवि की मौत के मामले पर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कर्नाटक हुकूमत को सीबीआई से जांच कराने का मशविरा दिया है। वाजह है कि रवि के अहलखाना और आवाम के मुतालबे को देखते हुए मरकज ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की यकीन दहानी कराई थी। पार्लियामेंट में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने यहां तक कह दिया था कि कर्नाटक हुकूमत से उनकी बात हो गई है, लेकिन बाद में सिद्धरमैया ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। सीएम का कहना है कि सीआईडी जांच चल रही है और जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वहीं मरकजी वजीर कानून सदानंद गौड़ा ने कहा है कि जब रियासत और मुल्क के 95% लोग सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं तो रियासती हुकूमत को आनाकानी नहीं करनी चाहिए। डीके रवीश एसासिनेशन केस, सो टोटली द पीपल ऑफ कर्नाटका फील दैट नाइदर द चीफ मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर नॉर द ऑफिसर्स दैट कैन हैव ए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। I think he being an IAS officer, it is fair on the part of the state government to refer the matter to CBI for further investigation. We also insist the same. आईपीएल मैच के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गार्ड से झड़प मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए फिल्म अदाकार और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। कोर्ट ने चिल्ड्रन कमीशन से सवाल किया है कि आखिर इस मामले में अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। कोर्ट की हिदायत के बाद चिल्ड्रन कमीशन ने मुंबई पुलिस को शाहरुख खान के खिलाफ आईपीसी और जुवेनाइल एक्ट की मुखालिफ दिफात के तहत केस दर्ज करने को कहा है। शाहरुख पर इल्जाम है कि उन्होंने स्टेडियम में गार्ड के साथ गाली गलौज और बदतमीजी की थी। उस वक्त वहां कुछ बच्चे भी मौजूद थे। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में पाकिस्तान के सहाफी मेहर तरार से पूछगछ के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से राब्ता करने की खबरों को दिल्ली पुलिस ने खारिज किया है। इससे पहले खबर आई थी कि सुनंदा पुष्कर की पुरस्कार मौत मामले की जांच में मसरूफ दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने पाकिस्तान हाई कमीशन से मदद मांगी है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम इस मामले में अब पाकिस्तानी सहाफी मेहर तरार से पूछताछ करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने पाक हाई कमीशन से मदद मांगी है। माना जा रहा था कि जल्द ही दिल्ली पुलिस अब मेहर तरार से पूछगछ कर सकती है। गौरतलब है कि सुनंदा की मौत से 3 दिन कबल ट्विटर पर मेहर तरार और सुनंदा के बीच शशि थरूर के सिलसिले में ट्वीट वार चल रहा था, जो खासी सुर्खियों में रहा। दसवीं क्लास के बोर्ड के इम्तिहान में बड़े पैमाने पर नकल होने और बिहार हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दायर की गई थी। इस पर समाप्त करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी को नकल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। सभी इम्तिहान सेंटर पर पुलिस फोर्स की तैनाती और उड़न दस्ते के इंतजाम की भी हिदायत दी गई है। हाईकोर्ट ने वजीर तालीम के बयान को हैरानकुन बताया है, हालांकि पूरे मामले पर वजीर आला नीतीश कुमार दिफा करते नजर आए। कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और इसका साफ संदेश होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने आज व्यक्तिगत रूप से इस चीज को गंभीरता पूर्वक लिया है और इस मामले में आज ही चीफ सेक्रेटरी सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और हर आदमी को टोज पर होना होगा। यूपी के लखनऊ में उर्दू के मारूफ अदीब मुहक्किक नाकिद और शायर प्रोफेसर महमूद इलाही की पहली बरसी के मौके पर उन्हें याद किया गया। एक शाम महमूद इलाही के नाम से मुनक्किद इस अदबी व शेरी नशिस्त में उर्दू की कई अहम शख्सियात के साथ उनके कई शागिर्द और अजीज व अकारिब ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर फजल इमाम ने की। उर्दू अदब में समझे एज ए मुहक्किक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। सबसे पहले उनकी जो पीएचडी है वो कसीदे पे है, कसीदा निगारी पे कुछ भी लिखना पहली थीसिस उनकी है। और उसके अलावा उन्होंने जो उर्दू करीमुद्दीन अहमद के नावल को ये तहकीक की कि उर्दू का पहला नावल फतेह तकदीर है, जबकि आम लोग जो है
मिराटुल उरूस को, डिप्टी नजीर अहमद के नावल को पहला नावल उर्दू का कहते हैं, ये महमूद इलाही साहब की सबसे बड़ी तस्वीर। इसके अलावा उन्होंने जो दर्स तदरीस का काम करने के साथ साथ उन्होंने उर्दू की बहुत ही खिदमत की, खासतौर से तहकीकी काम उन्होंने बहुत किया। वक्त है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे आलमी खबरें, आप देखते रहिए आलमी समय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या सात समंदर पार की, हालात मुस्लिम मुमालिक के या करवट आलमी बाजार की, देखिए आई नए आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्त के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है, रुख करते हैं आलमी खबरों का। यमन की दारुल हुकूमत सना में 2 मसाजिद में नमाज जुमा के वक्त खुदकश बम धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 55 अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक खुदकश बमबारों ने सना के जनूब में वाक़ मस्जिद में घुसकर बम धमाके किए। उस वक्त इन दोनों मसाजिद में नमाज जुमा अदा की जा रही थी। इस मसाजिद में हौसियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। यमन के शुमाली सूबे सादा में भी एक बम धमाका हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की इत्तला है। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इन बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन माजी में अलकायदा की यमनी शाख इस तरह के बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल करती रही है। पाकिस्तान के शहर कराची में बोहरा फिरके की एक मस्जिद के बाहर बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक कराची के इलाके आरामबाग में वाकई इस मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के वक्त बम धमाका हुआ। इस वक्त मस्जिद में नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अहनी शाहिदीन ने बताया कि जुमे की नमाज के वक्त जोरदार धमाका हुआ, इससे नजदीक वाकई दुकानें और इमारतों के शीशे टूट गए। इमदादी कारकुनान का कहना है कि उन्हें ट्रैफिक और तंग गलियों की वजह से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में काफी दुश्वारी पेश आई। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अब्दुल खालिद ने बताया कि जख्मी होने वाले दो अफराद की हालत काफी नाजुक है। इराक के शुमाली शहर फलूजा में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने 9 अफराद को गोलियों मारकर हलाक कर दिया है। दाइश ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें इन अफराद को गिरफ्तार करने के बाद गोलियां मारते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश के हाथों कत्ल होने वाले इन इराकी शहरियों पर जासूसी का इल्जाम आयद किया गया था। गोलियां मारने से कबल इन तमाम अफराद के एतराफी बयानात भी लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो फलूजा में दाइश के बारे में इराकी फौज को खबरें देते रहे। वीडियो में स्याह लिबास में मलबूस दाइश के जंगजुओं को या गमालियों को खुली जगह में लाते हुए दिखाया गया है। उनके हाथों को पुश्त पर बांधा गया, इसके बावजूद उन्हें घुटनों के बल बैठाकर उनके पीछे खड़े जंगजू उन्हें पिस्तौल से गोलियां मार देते हैं। मिस्र की एक फौजी अदालत ने साबिक वजीर दाखला हबीबुल आदली को उन पर लगे मुकदमात से बरी कर दिया है। सदर हुस्नी मुबारक के दौर के वजीर दाखला हैं और उन पर बदनवानी और सरकारी ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करने के कई मुकदमात चल रहे थे। अदालत ने हबीबुल आदली पर लगे बदनवानी के इल्जाम के सबूत नाकाफी करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। मिस्री महकमा इंसदाद बदनवानी की तरफ से अदालत में दरख्वास्त दी गई थी। मिस्री कानून के मुताबिक हबीबुल आदली के बरी होने के बाद उनके साथ एक साबिक वजीर जैसा ही सलूक किया जाएगा। अल आदली साबिक वजीर की तरह तमाम सरकारी मराहत और पेंशन हासिल कर सकेंगे। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनी रियासत का कयाम न होने देने के अपने वादे से पीछे हट गए हैं। वहीं अमरीकी सदर बराक ओबामा ने जोर दिया है कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता में दो रियासती हल का हामी है। एक अमरीकी टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा है कि वो दो रियासती हल चाहते हैं, लेकिन हालात को बदलना होगा। इंतखाबी मुहिम के खात्मे पर नेतन्याहू ने अपने हामियों से उनके हक में वोट डालने की अपील ये कहते हुए की थी कि अगर वो दोबारा वजीर आजम हुए तो फिलिस्तीनी रियासत नहीं बनने देंगे। आलमी कप क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब सेमीफाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मुकाबला 26 मार्च को सिडनी में खेला जाएगा।
आईसीसी के सदर मुस्तफा कमाल ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कल खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गलत फैसला देने की वजह से हिंदुस्तान मैच जीता है। उन्होंने कहा कि मैच में अंपायरिंग का मेयार बहुत ही खराब था। उनके मुताबिक 12 ऐसे फैसले थे जो बांग्लादेश के खिलाफ दिए गए। बांग्लादेश के मुस्तफा कमाल ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत आईसीसी के सीईओ से की है और जल्द ही आईसीसी के चेयरमैन श्रीनिवासन से भी करेंगे। मुस्तफा कमाल ने तो यहां तक कह दिया है कि आईसीसी अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया है। पूरे मामले पर बीसीसीआई की तरफ से भी बयान आ गया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी सचिन अनुराग ठाकुर पूरे इशू पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। और ये हर किसी का अधिकार है, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो सही प्लेटफॉर्म पर वो बात करें। वो आईसीसी के प्रेसिडेंट है, काश यही सब बातें उन्होंने आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर कही होती तो ज्यादा उचित होता। कल बांग्लादेश की 100 से ज्यादा रनों से हार हुई है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मैच था और जिसका खेद और दुख उन्हें हो सकता है। भारत जीता है, अपने बल पर जीता है और भारत सेमीफाइनल और फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबरनामे के इख्तिताम पर सुर्खियों पर एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेरोइन। रायबरेली के पास जनता एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरे, 31 की मौत, 150 से ज्यादा जख्मी। देहरादून से बनारस जा रही थी ट्रेन। जम्मू के कठुआ में खत्म हुआ एनकाउंटर, हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिस एहलकार शहीद, दोनों दहशतगर्द भी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। राज्यसभा में पास हुआ कोयला खदान बिल लेकिन तहवील एराजी बिल की मुखालफत जारी, मगरबी बंगाल के किसानों ने किया एहतजाज, सोनिया ने की राजस्थान में किसानों से मुलाकात। आर्मी कप के दूसरे सेमीफाइनल में 26 मार्च को होगी हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। और यमन की 2 मस्जिद में जुमे की नमाज में खुदकश बम धमाके, 55 से ज्यादा अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, पाकिस्तान में मस्जिद के बाहर भी हुआ धमाका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samylife.com। नाजरीन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय।